इतिहास में पहली बार रूस के अंदर वो होने वाला है जो आज तक पहले नहीं हुआ। और आप लोगों के ये जानकर होश उड़ जाएंगे कि रूस के अंदर तख्ता पलट होने वाला है। और अब यूक्रेन को छोड़ो, पुतिन को रूस को ही बचाना मुश्किल पड़ गया है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जिस इंसान को अपने राइट हैंड समझकर दूध पिलाया था, आज वही इंसान पुतिन के लिए एक खतरनाक सांप बन गया है और पुतिन को ही डसने के लिए दौड़ पड़ा है। और रूस जैसे महाशक्तिशाली देश में तख्ता पलट करने का ऐलान किया है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर हड़कंप मचा दिया है। अब आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे आखिर ये शख्स है कौन जिसने एक महाशक्तिशाली देश के खिलाफ तख्ता पलट करने का मोर्चा खोला है, और आखिर रशिया के अंदर तख्ता पलट करने की नौबत क्यों आ गई। दरअसल जब से रूस के अंदर तख्ता पलट करने का ऐलान हुआ है, तभी से यूक्रेन, अमेरिका से लेकर पश्चिमी देशों में खुशी का माहौल है। और अमेरिका तो इस बात को लेकर खुश है कि जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी वो सच होने वाली है। दरअसल पाकिस्तान के साथ साथ रूस पर भी अमेरिका ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था कि रूस आने वाले कुछ सालों के अंदर ही कई हिस्सों में टूट जाएगा। लेकिन अभी तो एक साल भी नहीं हुआ, उससे पहले ही रूस के अंदर बगावत शुरू हो गई है और रशिया के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। रूस के कई शहरों पर कब्जा हो गया है और रूस की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि लोग बेवजह ही सड़कों पर ना निकलें। और अब यूक्रेन को छोड़ो, व्लादिमीर पुतिन अब रूस को और अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रूस के अंदर जो गृह युद्ध छिड़ा है वो रूसी सेना और व्लादिमीर पुतिन की प्राइवेट सेना वैगनर के बीच में छिड़ा है। और वैगनर ग्रुप अब इतना आक्रामक हो गया है कि उसने यूक्रेन को छोड़कर अब रूस में एंट्री मार ली है और रूस के कई बड़े शहरों पर कब्जा करने का भी ऐलान किया है। और रूस से आई इस खबर ने सबसे ज्यादा टेंशन भारत को दे दी है, क्योंकि अगर रूस के अंदर तख्ता पलट हुआ तो भारत अपना सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर खो देगा, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन मोदी के अब तक के सबसे अच्छे दोस्त हैं। हाल ही हम वैगनर ग्रुप के बारे में आपको डिटेल्स में कई वीडियो में बता चुके हैं। दरअसल वैगनर ग्रुप एक रूस की प्राइवेट आर्मी है जिसे व्लादिमीर पुतिन से ही पैसा मिलता है। और जैसे ही यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ था, वैसे ही व्लादिमीर पुतिन ने इस ग्रुप में 50,000 सैनिकों की भर्ती की थी, क्योंकि इस ग्रुप का मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन है, जो कभी व्लादिमीर पुतिन का बावर्ची हुआ करता था और व्लादिमीर पुतिन को खाना भी खिलाया करता था। और इस बावर्ची ने पीएम मोदी जी को भी कई बार खाना खिलाया है और इस बावर्ची पर व्लादिमीर पुतिन काफी भरोसा करते थे। लेकिन अब जैसे इस बावर्ची को पावर मिली, वैसे इस बावर्ची ने अपने इरादे जाहिर कर दिए और अब प्रिगोजिन ने अपनी सेना की बंदूकें जेलेंस्की को छोड़ पुतिन की तरफ कर दी है। और अब वैगनर ग्रुप रूस की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब आपको बता दें आखिर ऐसा हुआ क्यों। दरअसल कुछ दिन पहले ही वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के बखमुत पर कब्जा करने का ऐलान किया था, जिसके कुछ दिन बाद ही वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि रशियन एयरफोर्स ने वैगनर सेना पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की है और गोला बारूद बरसाए हैं। और रशियन एयरफोर्स पर आरोप लगाते हुए कहा है कि रशियन एयरफोर्स अब यूक्रेन को छोड़ वैगनर ग्रुप का ही खून बहा रही है। और इसके बाद भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगू को नहीं हटाया, इसलिए अब वैगनर ग्रुप रूस की सरकार को ही गिरा देगा। जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैगनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन पर देशद्रोह है और देश के खिलाफ विद्रोह शुरू करने और अपने ही देश की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया है। और व्लादिमीर पुतिन के इस बड़े बयान के बाद ही येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने एक गलत विकल्प चुना है, इसलिए अब रूस को जल्द ही एक नया राष्ट्रपति मिल जाएगा।